हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू बाय शिखा ब्रोल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज सॉलिड स्टेट। ये जो चैप्टर है ये आपका 5 मार्क्स का होता है और इस चैप्टर में आपको न्यूमेरिकल्स आते हैं और थ्योरेटिकल पोर्शन होता है। इस चैप्टर में अगर हम ब्रीफ बात करें तो यहाँ पे हम स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करेंगे, उसमें पर्टिकुलरली सॉलिड स्टेट की बात करेंगे। सॉलिड स्टेट की प्रॉपर्टीज कैसी हैं और पर्टिकुलरली टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, जैसे कि हम लोग बात करेंगे क्रिस्टल और अमॉर्फस, देन हम लोग क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, करेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, देन फर्दर टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स की बात करेंगे। तो इस चैप्टर की जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन है मैंने आपको अभी दी, जिसमें हम लोग अमॉर्फस, क्रिस्टलाइन, देन हम लोग डिफरेंस की बात करेंगे, टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स की बात करेंगे, उसके अलावा हम लोग क्रिस्टल लैटिस की बात करेंगे, क्यूब की बात करेंगे, देन फर्दर टाइप्स ऑफ फर्दर क्रिस्टल्स एंड देयर डायमेंशन, एज लेंथ, उन सब के ऊपर आपके न्यूमेरिकल्स आएंगे। देन डेंसिटी का टॉपिक आता है इस चैप्टर में। और इसके अलावा यहाँ पे इस चैप्टर में हम लोग इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स की बात करते हैं, कैसे इम्प्योरिटीज डेवलप होती है, और एन और पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स, देन इलेक्ट्रॉनिक बैंड इन कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले एक सिंपल डिफाइन करें अगर सॉलिड स्टेट में, डेफिनेशन ऑफ सॉलिड। तो सॉलिड क्या होता है? एनीथिंग विच हैज डेफिनेट मास एंड डेफिनेट वॉल्यूम इज डिफाइंड एज अ सॉलिड। फॉर एग्जाम्पल, दिस चॉक इज सॉलिड, दिस बोर्ड इज सॉलिड, द टेबल, द चेयर, एवरीथिंग अराउंड यू विच हैव अ डेफिनेट मास एंड डेफिनेट शेप एज वेल एंड वॉल्यूम इज नोन एज अ सॉलिड। फर्दर सॉलिड्स को हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं इन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑल्सो, इवन सेमी मेटल्स ऑल्सो सॉलिड्स इन नेचर। सम मेटल्स आर लाइक कॉपर, आयरन, सिल्वर, गोल्ड, ये सारे के सारे सॉलिड फॉर्म में होते हैं, एल्यूमिनियम। इसके अलावा अगर हम सेमी मेटल्स की बात करें, सिलिकन, जर्मेनियम, दीज आर ऑल्सो सॉलिड। इसके अलावा वुड, प्लास्टिक, देन टेबल, चेयर, स्टोन, हर एक चीज़ जिसकी एक फिक्स शेप है, रिजिड है, जो अपनी स्ट्रक्चर है और जो अपनी पोजीशन है, जो अपनी डिज़ाइन है, उसको चेंज नहीं कर सकता, दैट इज अ सॉलिड। सो सबसे पहला टॉपिक डेफिनेशन ऑफ सॉलिड के बाद आपका आएगा करैक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड्स की बात करें तो सबसे पहले फर्स्ट करैक्टरिस्टिक, दे हैव रिजिड शेप, रिजिड स्ट्रक्चर, एटम्स ऑफ सॉलिड आर क्लोज टू ईच अदर, देयर इज मिनिमम इंटरमोलिकुलर रिपल्शन, देयर इज मिनिमम इंटरमोलिकुलर स्पेसेस, एंड द सॉलिड्स आर मेड अप ऑफ एटम्स, आयंस एज वेल एज मॉलिक्यूल्स। देन नेक्स्ट टॉपिक है अमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की अगर बात करें तो अमॉर्फस सॉलिड्स और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की पहले डेफिनेशन देखेंगे, देन इनके बीच में हम डिफरेंस देखेंगे। सबसे पहले अगर क्रिस्टल की बात करें, आप लोग ये वर्ड बहुत यूज करते हो, क्रिस्टल्स क्रिस्टल्स, बट क्रिस्टल्स होते क्या है? क्रिस्टल्स एक पर्टिकुलर फिक्स अरेंजमेंट ऑफ एटम, आयन और मॉलिक्यूल होता है, जिसकी एक पर्टिकुलर शेप होती है, फिक्स अरेंजमेंट होता है, और ऑर्डर ऑफ पार्टिकल्स है जिसमें वो अरेंज है, जिस ऑर्डर में वो, एक परफेक्ट ऑर्डर होता है क्रिस्टल्स का। बट जब आयंस, एटम्स और मॉलिक्यूल्स का ऑर्डर जो है वो परफेक्ट नहीं होता, एक फिक्स ऑर्डर नहीं होता, तब हमारे पास जो सॉलिड्स होते हैं वो अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं। अमॉर्फस सॉलिड्स हमारे एक हिसाब के पाउडर सॉलिड्स होते हैं, जो पाउडर फॉर्म में होंगे, जिनकी कोई पर्टिकुलर फिक्स अरेंजमेंट नहीं है। अगर मैं क्रिस्टल सॉलिड की बात करूँ तो आप सबने सुना हुआ है कि जो नमक है, इवन हम बोलते भी हो शुगर, सॉल्ट, तो सॉल्ट जो है NaCl, उसके क्रिस्टल्स होते हैं, और ये आप डेली लाइफ में यूज भी करते हो, तो ये कॉमन सॉल्ट है जो हम किचन में यूज करते हैं, तो इसके क्रिस्टल्स होते हैं, पर्टिकुलर शेप होती है, बट जो अमॉर्फस सॉलिड होते हैं उनकी पर्टिकुलर शेप नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोग हल्दी को ग्राइंड करते हो तो पाउडर बन जाता है, या अगर आप लोग बीट को ग्राइंड करते हो, आटा जो यूज करते हो, वो भी एक पाउडर है, उसका कोई भी फिक्स अरेंजमेंट नहीं है, कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है। कई बार अगर आप उसको क्रशिंग ज़्यादा कर दोगे तो वो ज़्यादा फाइन हो जाएगा, ज़्यादा बारीक हो जाएगा, ज़्यादा सॉफ्ट होगा। अगर आप उसकी क्रशिंग ज़्यादा नहीं करते हो, ग्राइंडिंग ज़्यादा नहीं करते हो, तो वो मोटा मोटा रहता है। तो
सिमिलरली अगर हम बात करें क्रिस्टल और अमॉर्फस की, तो सबसे पहला डिफरेंस यही आ जाएगा कि क्रिस्टल्स में जो ऑर्डर है वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर है और परफेक्ट ऑर्डर है, अमॉर्फस में ऐसा नहीं होता है। क्रिस्टल्स की पर्टिकुलर ज्योमेट्री है, फिक्स ज्योमेट्री है, फिक्स शेप है, अमॉर्फस में ऐसा नहीं होता है। इसके अलावा जो क्रिस्टल्स हैं इनमें हमारे पास होती है एन आइसोट्रॉपी, और जो अमॉर्फस है इनमें होती है आइसोट्रॉपी। तो ये जो प्रॉपर्टी है इसको हम लोग अभी डिफाइन करेंगे, आइसोट्रॉपी एंड एन आइसोट्रॉपी। इसके अलावा पहले हम बाकी और डिफरेंसेस देख लें। एक और डिफरेंस होता है, क्रिस्टल्स को हम फाइन कट कर सकते हैं, जब कट करते हैं तो क्लीवेज जो है वो क्लियर आती है, अच्छी तरह से फाइन क्लीवेज आती है, क्योंकि इनका जो ऑर्डर है वो परफेक्ट होता है। तो अगर आप इसको सेंटर से कट करोगे तो ये इक्वली जो है वो ब्रेक करेंगे बिल्कुल फाइन कट के साथ, बट अमॉर्फस सॉलिड्स में ऐसा नहीं होता है। इसको हम नाइफ से जब कट करेंगे या किसी भी चीज की हेल्प से कट करेंगे तो फाइन कटिंग होगी। इस फाइन कटिंग को बोलने का मतलब है कि अगर आप लोग एक बटर लेते हो जो बिल्कुल फ्रीज है और उसको अगर नाइफ की हेल्प से कट करते हो तो वो एकदम फाइन कट आता है, दो पीसेस में कट हो जाता है और एक दोनों आइडेंटिकल होंगे। बट अगर आप एक वो बटर कट करते हो जो रूम टेम्परेचर पे आधा एक घंटा पड़ा हुआ है तो वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया होगा, अगर आप उसको नाइफ की हेल्प से कट करने की कोशिश करोगे तब वो एकदम फाइन कट नहीं आएगा जैसे आप लोग एक फ्रीज्ड जो बटर है उसको कट करोगे नाइफ की हेल्प से। तो जो बिल्कुल पर्टिकुलर परफेक्ट ऑर्डर में कटिंग देता है वो है क्रिस्टल, जिसकी कटिंग जो है परफेक्ट नहीं होती है वो होते हैं हमारे अमॉर्फस सॉलिड्स। अब मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बोली है आइसोट्रॉपी एंड एन आइसोट्रॉपी। अगर इस प्रॉपर्टी की बात करें, एन आइसोट्रॉपी एग्जिस्ट करती है क्रिस्टल्स में और आइसोट्रॉपी एग्जिस्ट करती है अमॉर्फस सॉलिड्स में। एन आइसोट्रॉपी क्यों होती है? इट इज ड्यू टू द डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स अलोंग डिफरेंट डायरेक्शंस। जैसे हम लोग क्रिस्टल्स की बात करें तो हमारे पास एक क्रिस्टल है फॉर एग्जाम्पल NaCl का, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इस तरह से अरेंजमेंट होगा उसका। हर एक Na पॉजिटिव जो है वो एक Cl के साथ कनेक्टेड होगा और हर एक Cl नेगेटिव जो है वो Na पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड होगा। अगर आप इसको थ्री डायमेंशन ड्रॉ करते हो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनता है हमारा। अब इस स्ट्रक्चर को अगर आप लोग ध्यान से देखते हो तो अगर हम लोग इस एक्सिस के अराउंड चलेंगे तो ये सारा ऑर्डर सेम आ रहा है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जाएंगे तो भी ऑर्डर सेम आ रहा है, इस डायरेक्शन में जाएंगे ऑर्डर चेंज हो गया, इस डायरेक्शन में जाएंगे ऑर्डर चेंज हो गया। तो डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट ऑर्डर है, वो किस केस में होता है? क्रिस्टल्स के केस में। तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एन आइसोट्रॉपी। बट अगर मैं अमॉर्फस की बात करूं, क्योंकि उसमें कुछ भी जो है फिक्स नहीं है, तो कुछ इस तरह से है, जो पार्टिकल्स होंगे कहीं भी किसी भी तरह से अरेंज होंगे। तो जब आप लोग किसी भी डायरेक्शन में मूव करोगे, फॉर एग्जाम्पल आप इस डायरेक्शन से जा रहे हो, इस डायरेक्शन से जा रहे हो, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, आपके पास जो ऑर्डर है हर बार सेम ही आ रहा है, क्योंकि हर बार ऑर्डर जो है पार्टिकल्स का फिक्स नहीं है। यहाँ से भी पार्टिकल दिख रहे हैं, यहाँ से भी पार्टिकल्स हैं, यहाँ से भी। तो दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ आइसोट्रॉपी, मीन्स सेम अरेंजमेंट, क्योंकि कुछ भी फिक्स अरेंजमेंट नहीं है, हर तरह से वैसे ही है। जैसे आप इस एग्जाम्पल को कंपेयर कर सकते हो, एक ग्राउंड में अगर एक फेयर लगा हुआ है, एक मेला लगा हुआ, तो उस मेले में सब लोग कैसे घूम रहे होते हैं, उस टाइम पे आपके लिए ये जज करना मुश्किल होता है कि इस डायरेक्शन में कौन कौन था, इस डायरेक्शन में कौन है। आप किसी भी डायरेक्शन से जाओ आपको सारे इंसान सेम सेम दिख रहे होते हैं। बट अगर आप लोग एक असेंबली की बात करो, जो आपके स्कूल्स में असेंबली होती थी उसमें आप क्लास वाइज खड़े होते थे, तो उसमें अगर आप लोग एक क्लास में जाते थे, एक क्लास की रो में जाते थे, तो सारे बच्चे सेम क्लास के होते थे। तो अगर आप लोग वर्टिकली मूव करना शुरू करोगे तो क्लासेस चेंज होनी शुरू हो जाती थी। तो दैट मीन्स हर डायरेक्शन में जो ऑर्डर है वो चेंज होता था, क्रिस्टल्स के केस में होगा वो, दैट इज एन आइसोट्रॉपी, और जब सब में सेम रहेगा दैट इज आइसोट्रॉपी। ये एग्जिस्ट करती है अमॉर्फस सॉलिड्स में। सो अभी हमारा इस लेक्चर में हमने इतना ही पढ़ना है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक कवर करवाऊंगी। अब आपको मैं एक क्वेश्चन दे रही हूँ, उसमें आप लोगों ने आइडेंटिफाई करना है कौन सी चीज़ें इसमें से क्रिस्टल्स हैं और कौन सी चीज़ें इसमें से अमॉर्फस हैं, और आप
अपना जो काम है वो करके कमेंट सेक्शन में बता सकते हो ऑप्शंस, कौन कौन से ऑप्शंस हैं जो अमॉर्फस है, कौन कौन से ऑप्शन है जो वो क्रिस्टलाइन है। और अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हो, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके साथ वो क्वेश्चन आपका जो जो है जरूर आपके साथ उसका आंसर शेयर करूंगी और आपके जो डाउट्स है वो कवर करूंगी। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडी एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड जो बेल आइकन आ रहा है उसको प्रेस कर लीजिए सो दैट नेक्स्ट लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको जैसे ही लेक्चर आएगा वैसे ही आ जाए। थैंक यू।